ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम सदगुरु शिव बाबा ने आकर हम सभी की झोली वरदानों से भर दी है। वरदानी जीवन बड़ा सुंदर और सरल जीवन है। किसी को सफलता का वरदान मिल गया, किसी को योगी भव का वरदान मिल गया, किसी को माया पर विजय का वरदान मिल गया, किसी को सभी के विघ्न नष्ट करने का वरदान मिल गया, तो किसी को वरदान मिल गया कि तुम जिसे चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकते हो। कितने सुंदर वरदान है ये। पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वरदान स्वतः ही काम करते रहते हैं। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य है, वरदान में शक्ति है आग को भी पानी में बदल देने की। अर्थात आग जैसी समस्या क्यों ना हो, उसको भी पानी जैसा बना देना, शीतल कर देना, वरदान में ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन बाबा का एक सुंदर महावाक्य कुछ रहस्यों को स्पष्ट करता है। वरदानों को धारण करने की शक्ति हमारी बुद्धि में चाहिए। तो जो मनुष्य, जो आत्मा लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में शक्ति आ जाती है वरदानों को धारण करने की। ईश्वरीय नशा स्वमान हमारी बुद्धि को बहुत समर्थ बना देता है, बड़ा महान बना देता है, बड़ा तेजस्वी बना देता है। तीसरी बात है, हम वरदानों को वरदान रूप में स्वीकार करें और एक बहुत अच्छा अभ्यास रोज किया करें। अब कैसे इनको प्रैक्टिस में लाना है, सवेरे सूक्ष्म लोक में जाएं, फील करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। एक वरदान लें आप और उसे 7 दिन तक लें, जैसे बच्चे विजयी भव वरदान दिया, विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, श्रेष्ठ योगी भव, स्थिर बुद्धि भव, सदा सुखी भव, ये वरदान है। एक वरदान को हफ्ते तक चलाएंगे। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी बुद्धि से स्वीकार कर ले कि वरदाता परम सदगुरु से मुझे ये वरदान मिल गया है, अब ये वरदान ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपने वरदान ले लिया विघ्न विनाशक भव, तो जहां भी जाएं, जिसके भी विघ्न आप सुने, आपको याद आए कि मेरे पास परम सदगुरु का वरदान है, मैं जहां भी जाऊंगी, जहां भी जाऊंगा, वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। जिस पर मैं दृष्टि डालूंगा उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। जिसके लिए मैं शुभ भावनाएं रखूंगी, संकल्प करूंगी, उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये स्मृति और नशा बहुत गहराई से हमारे अंदर समा जाए। दूसरा सुंदर वरदान है विजयी भव। तो माया पर हमारी विजय निश्चित है, ये वरदान ले लें सवेरे और स्वीकार कर लें कि बाबा ने मुझे माया के सभी रूपों पर विजय प्राप्त करने का वरदान दे दिया है। मेरी विजय हर पल निश्चित है, कोई भी मायावी विकार मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मुझे भगवान के द्वारा विजय का वरदान मिला है। और जिनकी विजय यहां होगी वही विजयी रतन बन जाएंगे, 108 की माला में आ जाएंगे। बार बार का विजयी होना विजय माला का अधिकारी बनाएगा और जन्म जन्म भी हर कदम पर उनको विजय की अनुभूति होती रहेगी, हार का सामना उन्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। तो आओ हम सभी बाबा के वरदानों से अपनी झोली भरें, अपने लिए कोई 5 सुंदर वरदान चुन लें और उन पर इस तरह कार्य करें।
आज सारा दिन बाबा से ऐसे ही कोई वरदान लेकर उसकी स्मृति रखेंगे और साथ साथ उस वरदान को फलीभूत करने के लिए उस वरदान में बीज रूप स्थिति की शक्ति भरेंगे, परम धाम में पहुंचेंगे और कुछ कुछ मिनटों के लिए, सेकंड्स के लिए भी सर्वशक्तिवान के पास रहेंगे, उनकी एनर्जी स्वयं में भरेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।